हमें सब पता चल गया, इस सब के पीछे आप ही का हाथ है, और हमें ये भी पता है कि वो कागजात आप ही ने लिए थे। अर्नब जी को आप ही ने किडनैप किया है। और अब ये मत सोचे कि आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके जूते पे अर्नब जी का खून है और इसका सबूत है हमारे पास। इसलिए ये मत सोचे कि आप यकीन नहीं हो रहा कि हमने नानी जी को सब कुछ बता दिया। ये सब क्या था खुशी जी? आपने ऐसा क्यों बोला? बोलिए ना खुशी जी। आप श्याम जी के कमरे में क्या कर रहे थे नानी जी? खुशी जी, मैं जीजा जी से ये कुर्ता उधार लेने गया था। या नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। खुशी जी, पॉइंट ये है कि आप क्या कह रही थी? ये क्या हो रहा है? नन्नव के बारे में आप जो कह रही थी, इज दैट द ट्रुथ? हमने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नानी जी, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी जी, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, और आप जो कुछ भी करती है बहुत नाइसली और अच्छी तरह से करती है, लेकिन आपको झूठ बोलना नहीं आता। नो वे। खुशी जी, आपने नन्नव के किडनैपिंग के बारे में कुछ कहा, वो क्या है? हम तो नहीं, मैंने सुना। आप टॉपिक मत चेंज कीजिए। दरअसल हम कह रहे थे जी, जस्ट टेल मी द ट्रुथ प्लीज। नन्नव को क्या हुआ है? कहाँ है वो? खुशी जी, आप प्लीज मुझे सब सच सच बताइए, वरना मैं अभी जाके सब कह रहे हैं। अर्नब जी किडनैप हुए, अर्नब जी किडनैप हुए, और हमें पूरा यकीन है कि इसके पीछे श्याम जी का हाथ है। जीजा जी का? ये बिल्कुल नमकीन है। It's just not possible. ना मुमकिन नहीं नानी जी, मुमकिन है, और सिर्फ मुमकिन नहीं, ये सच भी है। हम सब जीजा जी को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसे इंसान है ही नहीं। He's a very good guy. बुरे आदमी है वो, बुरे से भी बदतर, और हम जानते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। ये रही डील के कारण। कैसे पेपर्स खुशी जी? और आपने उनके लिए ये सब क्यों किया? और नन्नव के साइंस क्यों? व्हाई नन्नव के साइंस क्यों? व्हाई? हमने ऐसा क्यों किया उसे छोड़िए नन्नी जी, हम मजबूर थे, लेकिन जरूरी बात ये है कि हमने वो कागजात श्याम जी को नहीं दिए, हमने वो कागजात छुपाए थे। पता नहीं कैसे वो कागजात श्याम जी के हाथ लग गए। जब अर्नब जी यहाँ थे तो दिन भर आप उन कागजातों के पीछे पड़े थे, अब क्या हुआ? वो हमने वो पिछले वाले कागज ही ठीक कर लिए खुशी जी। अर्नब जिंदा है, और आगे सिर्फ तुम्हारी खामोशी ही उसे जिंदा रख सकती है। अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। अगले एक्सीडेंट से तुम बच पाओगे कि नहीं, किसे पता।
ये जूते, ये तो हाँ मैंने जीजा जी से बोरो किए ये शूज। ननी जी ये तो वही जूते हैं जिसपे खून का निशान है। खून? ब्लड? देखिए हमने इस पे लगे खून की जांच करवाई है और इस खून का ब्लड ग्रुप और अर्नब जी का ब्लड ग्रुप एक ही है, इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं। खुशी जी आप बैठिए ना। देखो खुशी जी इस सब के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। मैं मानता हूं कि वो फोन वाली बात सही है, आपका नन्नव से मिलना, नन्नव का किडनैप होना, ऐसा हुआ होगा। मैं मानता हूं, नहीं मैं मानता हूं ऐसा ही हुआ है खुशी जी, बट ये बात कि इन सब में जीजू का हाथ है, इट्स इम्पॉसिबल। खुशी जी मैं मानता हूं कि ब्लड ग्रुप सेम था, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो ब्लड नन्नव का ही है। एक बार सोच लीजिए, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो। हम गलत नहीं है ननी जी, हम जानते हैं उन्हें और ये आज की बात नहीं है, धोखा देना उनकी पुरानी आदत है, वो हमेशा से बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। खुशी जी लेकिन आपको इतने यकीन से कैसे पता है कि सब कुछ जीजू ने किया? कैसे? हाउ? हमने कहा ना आपसे वो पेपर्स पे साइन करवाना, जूते पे खून। ठीक है कुछ नहीं पता हमें, लेकिन हम जानते हैं कि ये श्याम जी का ही काम है, आप माने या ना माने, समझे आप? आप ही ने कहा था ना ननी जी कि आप हमें इतने वक्त से जानते हैं, हम कुछ भी कर सकते लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, तो यही सच है ननी जी, हम सच बोल रहे हैं, इस सब के पीछे सिर्फ श्याम जी का हाथ है। आपको हमारे बात पे इसलिए विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने जीता जी को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम जानते हैं। आपको अभी भी लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं खुशी जी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ननी जी हम समझ गए कि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो एक काम कीजिए, अब हमें पक्का पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे श्याम जी का हाथ है कि नहीं।